महावीर, ध्यान से समझो एक एक शब्द को, वक्री नहानी वक्री ग्रह महावीर महाबलवान हो जाते हैं, शुभा जो शुभ ग्रह होते हैं, वक्रीनस्थ तो महावीर शुभा राज्य प्रदान रहा, तो शुभ होकर क्या करते हैं भाई, राज्य प्रदान आपको राज्य देते हैं, यानी राजयोग कारग्रहों के बारे में शुभता कही है, वो योग कारग्रहों की शुभता है, वो स्वाभाविक शुभता नहीं है, बुध बृहस्पति और उसकी शुक्र की बात नहीं कर रहा है और मंगल शनि राहु की बात नहीं कर रहा, पापा है व्यसंता पुनसाम पुनसाम, जो पाप ग्रह हैं वो व्यसन देते हैं, कुरवंती जो प्रशासनम और व्यसन ना भी दें थोड़े फेवरेबल भी है किसी वजह से, तो वृथाटनम बेकार की भागदौड़ करवाते, वृथा माने बेकार में, अटन माने भागदौड़, यानी खाली पीली बैठे गिलास थोड़ा बारह है ना, चाय वाय भी कुछ पिया नहीं, उस तरीके की स्थिति हो जाएगी, ज्यादा परेशान कर दिया, कम से कम वृथाटन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मुसीबतें करके आएंगे। अब यदि इस टेक्निक को तीसरा गुण समझिए, पाराशर क्लियर कट कहते हैं, ग्रहा पूर्णम फलम दद्यु सूर्या सप्तम के स्थिता, ग्रह अपना पूरा फल देते हैं जब सूरज के ठीक सामने होते हैं, है ना, आमने सामने 180 डिग्री पर होते हैं, तो आप मेरी ज्योतिष जानते हैं और समझते हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आउटर प्लैनेट तभी वक्री होते हैं जब सूर्य के ठीक सामने होते हैं। पाराशर कहते हैं कि वक्री ग्रह सूर्य के ठीक सामने वाला ग्रह अपने हिस्से का पूरा फल देगा, जरा सी भी बेईमानी नहीं करेगा, जरा सी भी कंजूसी नहीं करेगा, और जब वो कंजूसी नहीं करेगा तब वक्री कब होता है, जब ठीक सूर्य के ठीक सामने 180 डिग्री पर होता है, ग्रह पूर्णम फलम दद्यु ग्रह अपना पूरा फल देते हैं सूर्य सूर्य से सप्तम के सातवें घर में सातवीं राशि में 180 डिग्री अपार्ट स्थित जो हो। अब ये सातवें घर में वक्री क्यों होता है, सातवीं राशि में वक्री क्यों होता है, वहां आके उसका दिमाग खराब हो जाता है, वहां आके उसकी टांग टूट जाती है, या वहां आके कोई और प्रॉब्लम उसको खड़ी हो जाती है, उसके पेट में दर्द हो जाता है, जो वो घर की तरफ वापस भागने लगता है। साइंटिफिक रीजन है, एस्ट्रोनॉमिकल रीजन है, और हर एक विद्यार्थी को इन बात को जानना और समझना और अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, समझिए। सन स्टेशनरी है, मैं बात करता हूं, भाषण नहीं देता, इसलिए मैं आपकी हाना का की दरकार रखता हूं। सन स्टेशनरी है, इस सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, जितने सोलर फैमिली के प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, हर एक ग्रह की परिक्रमा का काल अलग अलग है, कोई ग्रह 12 राशि 30 साल में पूरी करता है, कोई 18 साल में पूरी करता है, कोई 1 साल में पूरी करता है, 1 साल में कौन पूरी करता है बताइए, जुपिटर, पूरी परिक्रमा 1 साल में नहीं करता, 12 साल में करता है, 1 साल में केवल एक राशि पास करता है, रवि पूरी राशि यानी 360 डिग्री का जो पूरा साइकिल है उस साइकिल को पूरा करने में 12 साल लगा, वो रवि 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 अभी तो, अरे अभी तो आपने कहा कि रवि चलता नहीं है, अभी करेगी रवि करता है, चंद्रमा कहाँ से करेगा, चंद्रमा तो 27 दिन में सारी राशियां पार कर लेता है, बुध शुक्र बुध 87 दिन में 87 डेज में अपना कारण पूरा कर देता है, 12 राशि घूम जाता है, और एक साल से बहुत कम समय में शुक्र घूम जाता है, अरे वो धरती है हमारी धरती, डब्ल्यू प्लैनेट, धरती सूर्य के चारों तरफ एक साल में पूरी परिक्रमा लगाती है, जिसकी वजह से चार जंक्शनल पॉइंट्स आते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं जंक्शनल पॉइंट्स, उसी तरीके से हर एक ग्रह के किसी एक आउटर प्लैनेट को ले लीजिए, पहले जो शनि बृहस्पति और मंगल ये तीन ग्रह सूर्य के ऊपर हैं, और बुध शुक्र चंद्रमा सूर्य से नीचे हैं, पृथ्वी से नीचे हैं, तो इनको क्या कहते हैं,
उनको एक्सटीरियर प्लैनेट, सुपीरियर प्लैनेट, बाह्य ग्रह और इनको आभ्यंतर ग्रह इंफीरियर प्लैनेट कहते हैं। इंफीरियर का मतलब पिछड़ा हुआ नहीं, भीतर का इनर प्लैनेट। कोई भी ग्रह ये सन है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि लग्न का कंट्रोल कौन करता है? इस धरती पर जहां कहीं हम हैं वहां लग्न जब देखते हैं तो कौन सा फैक्टर एस्ट्रोनॉमी का ऐसा है जो लग्न को कंट्रोल करता है? कौन बोला भाई? अरे इनकी पीठ सब तबाइए ना जरा। सूर्य ही अकेला एक ऐसा तथ्य है, ऐसा फैक्टर है जो लग्न को कंट्रोल करता है। बाकी सारे फैक्टर्स जो बोले जाते हैं और आजकल बहुत पॉपुलर हैं वो सब आई वॉश है। इस सांपातिक काल से निकालिए, वहां से निकालिए, यहां से निकालिए, अरे सीधे सीधे मुंह से खाएंगे नहीं, ऐसे खाएंगे। ये इंसानों का काम थोड़े वेस्टर्नाइजेशन है। जब आपके यहां सनराइज होगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आज से हजारों साल बाद भी नहीं बदलेगा और आज से हजारों साल पहले भी ऐसा ही था, तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि धरती ऊपर और सब आसमान नीचे ना आ जाए, जब तक कि सिर नीचे ऊपर टांगा ये दुनिया उठ पटांगा ना हो जाए, तब तक नहीं होगा। कैसे? देखो ध्यान से, जिस समय सूर्योदय आपके यहां होता है, ठीक सूर्योदय के समय किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में लग्न देख लीजिए, तो उस समय लग्न क्या है? सूर्य तो लग्न में रहेगा ही बच्चे। सूर्य की डिग्री, मिनट्स, सेकंड्स और लग्न की डिग्री सेकंड, मिनट्स, सेकंड सब बराबर होंगी, टोटल बराबर होंगी। इसका मतलब है कि राशियों का जो उदय होता है वो पृथ्वी के घूमने से होता है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इसलिए सनराइज इज द बेसिक फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द कमेंसमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी लग्न। अदर देन दैट एवरीथिंग आई पास। जब सूर्य के चारों तरफ ग्रह चल रहा होता है तो इसको कहते हैं प्लेनेटरी ऑर्बिट। ऑर्बिट को समझते हो ना भाई? इस ऑर्बिट में हमारी पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी तो सूर्य के नीचे है, पृथ्वी कहाँ है भाई? अरे मुझे डांस थोड़े करना है यार, हटा दिया सामने। अच्छा मुझे लगा शायद मेरे स्टेप देखना चाहते हैं लोग। तो पृथ्वी कहाँ है भाई? सूर्य के नीचे। और हम कहां से देखते हैं प्लैनेटरी पोजीशंस को? जमीन से, धरती से तो देखेंगे ना, जियोसेंट्रिक को ही तो आप देखते हैं। और आपको ताज्जुब होगा जान के, आप कहते हैं कि बुध नीचे है, शुक्र से ऊपर है, उसके ऊपर सूर्य है। हमारे शास्त्रों में यही लिखा है और बिल्कुल सही लिखा है। जियोसेंट्रिक यदि पोजीशन से आप देखेंगे तो बुध नीचे दिखाई पड़ेगा, शुक्र ऊपर दिखाई पड़ेगा और सन उसके ऊपर दिखाई पड़ेगा। लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से हेलियोसेंट्रिक देखेंगे, सन के ऊपर खड़े होकर के यदि आप देखेंगे तो बुध ऊपर है और शुक्र नीचे है। इसलिए हेलियोसेंट्रिक लॉन्गिट्यूड जो होता है उनका, बुध का और शुक्र का, वो अलग तरीके से निकाला जाता है। वहां बुध ऊपर है, शुक्र नीचे है। तो शुक्र नीचे है इसका मतलब वो हेलियोसेंट्रिक नहीं, जियोसेंट्रिक पोजीशन ग्रहों की ले रहे थे हमारे आचार्य ऋषि। उनको एक बात का सही तरीके से, पूरी तरीके से पता था। अपने इस ऑर्बिट में घूमते समय दो पोजीशन में एक ऐसी स्थिति आती है कि माना पृथ्वी हमारी यहाँ है, इसको हमने ई लिख दिया और इसको लिख दिया सन और इसको लिख दिया हमने ऑर्बिट। ऑर्बिट ये ग्रह, इसके बीच में यहां सन के ऊपर वाला ग्रह, कोई भी ग्रह माना चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो एक पोजीशन तो ये होगी कि वो धरती के सबसे नजदीक होगा,
और एक पोजीशन इसी अपने घुमाव के चक्कर में इसी परिक्रमा के दौरान ऐसी आएगी कि वो हमारी पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी पर, बात समझ रहे भाई? जब मैक्सिमम दूरी पर होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं अपोजी, अपोजी समझते हैं ना? और जब यहां होता है इस जगह पर इसको कहते हैं पेरिजी। हमारे सिद्धांत ग्रंथों में इसको बोला मंदोच्च।
अच्छा हुआ आपने मुझे वापस कर दिया, नहीं तो ज्वेलर साहब की बात सुनके तो आप लोगों को मतलब शंका हो जाती। भाई चार अंगुली की बात हमने लड़कियों के लिए बताई थी, आदमियों के लिए थोड़ी बताई। दूसरी बात ये कि मैंने कहा कि चार अंगुली हंस कर की आनी चाहिए, तो कायदे थे वो 3.5 अंगुल होनी चाहिए, तभी तो हंस के आएगी। और उसमें डबल चिन को भी कंसीडर करना है। तो जो सेठ लोग होते हैं जिनके पैसे ज़्यादा होते हैं, लेडीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, लेडीज़ में तो डबल चिन भी चर्बी की वजह से आती है, जेंट्स में जो डबल चिन आती है वो पैसे की निशानी होती है। मेरी भी चिन पर क्या करूँ, डॉक्टरों ने काट दी है, तो कैंसर हो गया था मुझे, इसलिए ऑपरेशन कर दिया। और आप लोगों को इतनी देर से मैंने चार बातें बताई, लेकिन हुजूर के कानों पर तो जरा गौर कीजिए। अब कह रहे हैं कि हम 63 के हो गए हैं, वो कह रहे हैं चार उंगली में नहीं फंस रही, मेरी तो नहीं फंस रही। अरे भाई आपकी डबल चिन भी है जनाब, आपके कान भी लंबे हैं हुजूर, आपके कान की जो ईयर लोब है वो नीचे की नोट टिप से बहुत नीचे जा रही है। देखिए हम तो बिना देखे बोलेंगे, खुद ना आपने। और मैंने कहा कि सुखावस्था में सीधे खड़े होकर के इसको नापना है, और कहाँ से नापना है, यहाँ से ये कॉलर बोन का अपर हिस्सा जहाँ जॉइंट है, जहाँ से गला दबाता है आदमी उंगली लगा दी, तो यहाँ से जो है देखेंगे तो वो, तो ये गर्दन और छोटी गर्दन होना पुरुषों में भाग्यवानी का लक्षण है। और गर्दन पीछे से यदि भरी हुई दिखे, चौड़ी और भारी दिखे, तो वो इसका इसकी निशानी है या अधिकार की निशानी है, या तो वो आदमी पैसे की पावर में होता है या फिर वो आदमी कुर्सी की पावर में होता है। तो तीनों बातें इनमें मिल रही हैं, तो भाई इसीलिए हुजूर तरक्की कर रहे हैं। तो शास्त्र गलत नहीं है, वो समझने में गड़बड़ हो जाती है और समझाने वाले की कमजोरी है। तो ये तो आपका दोष नहीं है, तो हम का दोष आए। चलिए हाँ थे भाई, अब बकरी प्लांट, अरे रेट्रो की तो बहुत देर से हो रहा था, आउटर प्लांट की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए पार्षद ने कहा कि ग्रह पूर्णम फलम दद्यु सूर्या सप्तम के स्थिता, सूर्य से 7वें घर में स्थित जो ग्रह होगा वो तो पूरी तरीके से अपना पूरा फल देगा। और भाई प्रैक्टिकल बात समझिए ना, मैं सदा से कहा करता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र को इसी दुनिया में रहने वाले लोगों ने, इसी दुनिया में रहने वाले लोगों के भले के लिए, इसी दुनिया के नियमों के आधार पर बनाया है। ना वो आसमान से उतर करके आए थे और ना ही आसमानी नियम लगाए गए। ये फ्लैश मेरे आंखों के सामने पड़ा हुआ है, तो मेरा रुखे रोशन जरा ज्यादा चमक रहा है। क्यों भाई? अरे आपके सामने यदि लाइट डाल दी जाए, फ्लड लाइट यहां लगवा दी जाए, तो आप सबके चेहरे दमक जाएंगे। सूर्य के ठीक सामने जो ग्रह है वो दमकेगा कि नहीं दमकेगा? और आप कहते हैं सूर्य के ठीक सामने चंद्रमा आकर के वो पूरा चंद्रमा हो जाता है, वो 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो वाला चांद नहीं रह जाता, फिर तो पूरा चांद हो जाता है। ज्वार भाटा ज्वार ले जाता है धरती पर, समुद्र तक को भी उछाल देता है। जब सूर्य के ठीक सामने वाला 7वां भाव भी ठीक उसी प्रकार से प्रॉस्पेरस होता है, और उस 7वें घर में बैठा हुआ ग्रह भी उसी तरीके से प्रॉस्पेरस होता है। और आप कहते हैं कि सूर्य के साथ बैठा हुआ ग्रह अस्त हो जाता है, क्यों भाई? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ही है ना? सूर्य के साथ बैठा हुआ ग्रह अस्त हो जाता है। सूर्य के साथ बैठने से उस ग्रह की रश्मियां, उस ग्रह की किरणें, उस ग्रह का तेज समाप्त हो जाता है, वो आसमान में दिखाई नहीं पड़ता, तो भाव कहां जाता है? सूर्य जिस भाव में बैठा है वो भाव भी अस्त हो जाता है। ये पार्षद ने इंडायरेक्टली बताया। और सूर्य के ठीक सामने वाला जो 7वां घर होता है वो उजाले में आ जाता है, उस पर सर्च लाइट पड़ जाती है, चमक उठता है, और उसमें बैठा हुआ ग्रह भी अपना पूरा फल खिल कर देता है, खुश हो जाता है।
बात समझ में आई, वक्री ग्रह अच्छा है कि बुरा है। अब इसके बाद कहा कि जिस ग्रह का बिंब पड़ा, जब ग्रहों का प्लैनेटरी वॉर की नाम आपने सुना होगा, ग्रह युद्ध बहुत सुनते हैं, ग्रह युद्ध कब होता है? बड़ा सीधा सा, देखा सेम डिग्री पर है, सेम मिनट पर है, ग्रह युद्ध है। टेक्निकली दैट इज नॉट करेक्ट। ग्रह युद्ध के पांच प्रकार है। ग्रह युद्ध तब होता है जब दोनों में गुत्थम गुत्था हो रहा हो। जैसे अभी 2016 में बुध का और सूर्य का संक्रमण, जिसको ट्रांजिट ऑफ मरकुरी कहते हैं, उस तरीके का होगा। तो ग्रह को एग्जैक्टली उस रीजन में से नहीं गुजरना है। राशि तो इतना बड़ा क्षेत्र है, वहां से सन भी गुजर रहा है, वहां से दूसरा ग्रह भी गुजर रहा है, लेकिन दूर दूर है। अरे 1 करोड़ पर 50 गाड़ियां चल रही है, लेकिन एम्पल डिस्टेंस और एम्पल गैप लेकर के चल रही है, तो कहां टकराएंगी? टकराव, लड़ाई, युद्ध, कोलाइजन, एक्सीडेंट, कुश्ती, मल्ल युद्ध कहां होगा? जब गाड़ी से गाड़ी का बम्पर से बम्पर टकरा जाए, या फ्रंट कोलाइजन होगा, या साइड से कोई टक्कर मारेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रह को एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर, सेलेस्टाइल लोकेशन, सेलेस्टियल लोकेशन पर होना चाहिए जहां पर दूसरा प्लैनेट होता है। और उसकी सेलेस्टियल लोकेशन कैसे पता लगेगी भाई? यहां डिग्री से थोड़े पता लगती है। डिग्री एज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द वर्नल इक्विनॉक्स और द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एरीज टुवर्ड्स ईस्ट, एक सीधी दूरी है ईस्ट की तरफ, इतने डिग्री आगे है। लेकिन लैटिट्यूड, द सेलेस्टियल लैटिट्यूड, वो बताएगा आपको द एग्जैक्ट लोकेशन। जैसे वो मोबाइल से आजकल लोकेट करते हैं, लोकेशन कहाँ था वो बंदा, ढूंढो, GPS से पता लग जाता है, तो वो लैटिट्यूड से पता लगेगा। इसलिए आप लोग कहते हैं एफएमआरई में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये डेक्लिनेशन लिखी होती है, इसका क्या यूज है? बिना मतलब के पन्ने रंगते हैं लोग, पन्ने नहीं रंगे होते। उसी लैटिट्यूड से ग्रहण का पता लगता है, एग्जैक्टली ग्रहण कितना बड़ा होगा, चंद्रमा सूर्य के सामने कितना आएगा। चंद्रमा जी पूरा आ जाता है, छोटा था चंद्रमा, और सूर्य को ढक देता है, कैसे? आप सीधी बात देखो, इसी माइक को यदि मैं आँख के सामने कर दूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, है तो छोटा, लेकिन आप चले जाता है। दृष्टि के पथ को, हमारी विजन को, हमारी विजुअल विजन लाइन को ढकता है, इससे चंद्रमा छोटा है, सूर्य बड़ा है, तो लैटिट्यूड से पता लगता है। तो सिमिलर लैटिट्यूड पर या ऑलमोस्ट नियर बाई लैटिट्यूड पर जब प्लेनेट हो और उनकी राशि, अंश, कला, विकला, मिनट, सेकंड भी बराबर हो या ऑलमोस्ट बराबर हो, तब उनमें ग्रह युद्ध होता है। ग्रह युद्ध के प्रकार उन्होंने बताए, 5 प्रकार कौन से होते हैं? पहला प्रकार भेद युति। भेद युति कैसे होती है कि बिल्कुल आर पार बीच में से निकलता है, जैसे सन के ऊपर से मरकुरी गुजरेगा अभी 2016 में, कुछ दिनों बाद, 4-5 महीने बाद। एफएमआरई जो आपको दी है उसमें डेट और टाइम भी लिखा हुआ है, कितने बजे गुजरेगा, कैसे गुजरेगा। जैसे ये सन है तो ये मरकुरी यहां से गुजरेगा, ऐसे इसके बीच से, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से राशि के दिल के आरम पार है, ऐसे गुजरता है, उसको कहते हैं भेद युति। पियर्सिंग, भेदन का मतलब होता है पियर्स करना, छेद करना, यानी उसके अंदर छेद करता हुआ निकलता है मन के आर पार। दूसरी युति है अंशुमर्द युति। अंशुमर्द युति का मतलब है कि जो उनकी किरणें आपस में टकराई हुई ऐसे लगती है, मिली हुई, लेकिन ग्रह एक्चुअली बहुत दूर होते हैं, उनकी जो रेज है वो आपस में मिली हुई होती है। वो कब होता है? जब दोनों के बिंब के, दोनों के डिस्क के एवरेज से आधे से भी कम उनका वो होता है, लैटिट्यूड का अंतर, सेलेस्टियल लैटिट्यूड का अंतर, लैटिट्यूड से पता लगता है। दूसरा होता है टच करके गाड़ी गाड़ी को चलेगी सड़क पर, टच करना, उसको कहते हैं उल्लेख युति। टच करके खरोच लगा के चला है, तो बिल्कुल पास से ऐसे टच करके मुझे जाता है, जैसे गुंडे लोग बैच में वो लड़कियों को कंधा मार के निकल जाते हैं, उस तरीके से टच करता है वो। तो इस तरीके से 4-5 तरीके की भेद युति होती है। और एक होती है साधारण युति,
इस इम्पोर्टेंट क्यों थी कि एक दो ग्रह आसमान में एक ही राशि, एक ही अंश, एक ही कला और एक ही विकला लिस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि है। इसलिए प्लेनेटरी वॉर ग्रह के राशि अंश कला से तय नहीं होता। प्लेनेटरी वॉर एक एक्चुअल घटना है, एक्चुअल लड़ाई है, एक्चुअल युद्ध है, एक्चुअल क्लोज मतलब फाइट है दोनों ग्रहों की, वो इस तरीके से तय होती है। तो जब भेद युति होती है तो भेदन होता है, विभाजन होता है, पॉलिटिकल पार्टी में विभाजन होता है, मतभेद बनते हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में बंटवारे हो जाते हैं, सब तरीके से समाज में बिखराव फूट पड़ती है। जब उल्लेख युति होती है, उल्लेख युति होती है तो स्त्रियों के प्रति अपराध सेक्सुअल एब्यूज ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब अंशुमर्द युति होती है तो महंगाई बहुत बढ़ती है, इन्फ्लेशन आ जाता है। तो इस तरीके से हर एक का फल भी है। तो अंशुमर्द युति तो इस समय जब यहाँ आ रहा होता है प्लेनेट, उस वक्री ग्रह की तीन पोजीशन होती है। पहली पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन ये और तीसरी पोजीशन ये, इसको क्या कहते हैं, डीप रेट्रो। यहाँ आकर के वो गुड़ अति वक्री होता है और इस जगह पर वो स्टेशनरी होता है। एफएमआरई में यही शब्द लिखा होगा, सब जगह ये स्टैंडर्ड शब्द है, स्टेशनरी, तो स्टेशनरी होता है। अब आप देखिए, अपने आप पता लगाइए, एफएमआरई खोलिए, आप देखेंगे जिस दिन जो ग्रह वक्री हो रहा है, जिस समय उसकी गति लगातार कंटिन्यूअसली डेली घटने लगे, डेली कम होने लगे, कल दो कला चला था, आज पौने दो चला, फिर डेढ़ चला, फिर सवा चला, फिर एक चला, फिर आधा चला, समझ लो बकरी होने वाला है। और ठीक उसी तरीके से इस स्टेशनरी फेज से निकलेगा और जैसे यहाँ सन के आठवें और सातवें और छठे घर में आ जाएगा, तो आठवें और छठे में आकर के उसकी गति थोड़ी तेज होती है, वो थोड़ा स्पीड ही चलने लगता है, यहाँ से वो फल देना शुरू करता है। और जब अति वक्री पर आ जाएगा उस समय मैक्सिमम स्पीड होती है, मैक्सिमम डिस्क होता है, मैक्सिमम रेंज होती है और मैक्सिमम इफेक्ट होता है। इसके बाद फिर वापस इस फेज से निकलेगा तो यहाँ आकर के फिर उसकी गति घटनी शुरू होगी, घटते 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 फिर यहाँ घटेगी, यहाँ पर फिर वो स्टेशनरी हो जाएगा और स्टेशनरी होने के बाद फिर वो डायरेक्ट हो जाएगा। इसलिए पांच सूर्य से पांचवें और नवें घर में जो ग्रह आउटर प्लैनेट होता है वहां से वक्रता होनी संभव है। वो किसी भी समय किसी खास डिग्री पर अंतर पर जाकर के वक्री होगा। आठवें और सातवें में और आठवें और छठे में परमानेंटली डेफिनेटली यूनिवर्सली ग्रह वक्री ही रहेगा। सातवें घर में आकर के अति वक्री हो जाएगा, बहुत तेजी से भागेगा, जैसे मिर्च लग गई हो मुंह में, इस तरीके से सीसी करेगा, बहुत तेजी से इफेक्ट देगा, बहुत साइकोलॉजिकल हो जाएगा, बहुत बेचारा उदार लिबरल हो जाएगा, सब कुछ लुटा देगा। क्लियर हो गई बात? तो अतिचारी फिर टेक्निकल शब्द में गड़बड़ होती है, अतिचारी ये नहीं है, अतिचारी इसको नहीं कहते, इसको अति वक्री कहते हैं। अतिचारी जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी को ठीक से ना समझ पाने में गड़बड़ हो जाती है, हम लोग कुंभ के मेले में भटके हुए बच्चे की तरह हो जाते हैं, फिर बरसों बाद जाके मिलते हैं, फिर मेला फिल्म बन जाती है, ये बड़ी समस्या हो जाती है। अतिचारी ग्रह तब होता है जब जो उसकी फिक्स टेन्योर है किसी राशि को पार कर सके, से कि मोस्टली ये टर्म बृहस्पति के लिए यूज होते हैं, अतिचारी बुध और बृहस्पति, शुक्र प्राय अतिचारी नहीं होता, शनि तो अतिचारी होना असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि शनि, क्योंकि उसके उसके जो नोड्स हैं वो इस तरीके के हैं कि वो डेढ़ साल में एक राशि पार करते हैं, बृहस्पति एक साल के बजाय 9 महीने में राशि पार कर सकता है, 10 महीने में राशि पार कर सकता है,
आगे जाकर के वक्री होकर के पिछली राशि में आ सकता है या अगली राशि में जाकर के पिछली राशि में वक्री होकर के ना लौटे तब अधिकारी होता है। जैसे कर्क में बृहस्पति है माना और वो सिंह में चला गया एक साल के दौरान 365 दिन के 361 दिन के दौरान, क्योंकि बृहस्पति का साइकिल 361 दिन का है, 365 का नहीं है, तो 361 दिन के दौरान वो 250 दिनों में ही वो कर्क से निकल करके सिंह में चला गया। लेकिन उन 361 के फिक्स्ड स्टिपुलेटेड टेन्योर में यदि वो बकरी होकर के लौट करके फिर कर्क में नहीं आता, सिंह में ही रह जाता है, तब उसको अधिकारी कहते हैं। और इट हैपन्स ओकेजनली, ऑफन, सदा नहीं होता, ये कभी कभी 150 सालों में कारोबार हुआ करता है, बार बार नहीं होता। जबकि ये जो है इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, ये तो सदा होता है, तो ये अतिचारी नहीं अति बकरी हुआ, समझ गए। अब एक सज्जन बोले मुझसे एक जगह, इस सूर्य से सूर्य के सातवें घर में बैठा हुआ हो तो उसके बेटे की बहू या उसके दामाद उसका खून पीते हैं। आजकल का बच्चा, आजकल का नया विद्यार्थी, जब तक तर्क संगत वैज्ञानिक तरीके से आप उसको नहीं समझाएंगे वो स्वीकार नहीं करता। उसने कहा बताइए सर ये बात कैसे लिखी है बताइए। मैंने बहुतों से पूछा, मैंने यही डायलॉग बोला, बेटा कुंभ के मेले में भटके हुए हो, अपनी माँ शास्त्र का हाथ पकड़ लो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बोले वो कैसे, आप लोगों ने उपग्रहों का नाम सुना है, क्या क्या होते हैं? धूम, व्यतिपात, परिवेश, उपकेतु, इंद्रधनु, ये सब होते हैं ना भाई। पाराशर क्या कहता है कि धूम इनमें सबसे ज्यादा बदमाश है, धूम इनमें सबसे, पाराशर वाचात को खोल के देख लेना, यदि मेरी बात कहीं भी रंच भर भी इधर उधर मिल जाए तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। कहता है कि धूम सर्व कार्य विनाशक, धूम सारे कामों को खराब करता है, यानी खलनायक शिरोमणि है, पाप ग्रह शिरोमणि है, अग्रगण्य है, धुरंधर है, कर्णधार है पापियों का, दुष्टों का। और यमघंट, यमकंटक, सॉरी यमकंटक क्या है, सबसे बढ़िया है, वो सबसे शुभ है। और भाई तेरा उपग्रह को स्पष्ट करने की प्रक्रिया तो बताओ, कैसे उसका लॉन्गिट्यूड निकालते। पार्षद कहते हैं कि 3 राशि और 20 डिग्री सिंपली एड टू द लॉन्गिट्यूड ऑफ द सन, द प्रोडक्ट नहीं द सम विल रिवील द एग्जैक्ट पोजिशन, सेलेस्टियल पोजिशन ऑफ धूम। अब मुझे जरा भैया ये बता दो, हम तो अनाड़ी आदमी है, कि सूर्य स्पष्ट में यदि 3 राशि और 20 डिग्री जोड़ोगे भैया तो कहाँ पहुंचता है भाई धूम? 4 राशि और 20 मिनट जोड़िए, 4 राशि 20 मिनट जोड़ने पर धूम आता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूर्य में 4 राशि 20 डिग्री जोड़िए तो धूम की पोजीशन आ जाएगी। अब बताइए मुझे धूम की पोजीशन कहाँ आएगी? सन से पांचवी में आएगी। अरे वहां की इंक पकड़ करके वहां का रोड़ा तो जोड़ा नहीं, और कहते हैं कुंभ कैसे जोड़ा? तो पांचवें घर में जब धूम पड़ेगा नियमतः एज ए मैटर ऑफ रूल, जहां सन बैठा उसे पांचवें घर में धूम बैठेगा, तो जहां सन बैठता है उस हाउस को अस्त करता है, और थोड़ी बहुत ताप, थोड़ी बहुत गड़बड़ वो पांचवें घर में लगता है, अपने से पांचवें। जब सातवें घर में सन बैठ गया तो पांचवा घर कहाँ पड़ेगा? ग्यारहवें का सातवां कौन सा है? पांचवा किसका है?
सातवां घर किसका हो गया? संतान का पति या संतान की पत्नी। इसलिए गजिया की इसलिए लिखा है शास्त्र में कि सप्तम में सूर्य हो तो या तो दामाद खून पीते हैं या बेटे की बहू खून पीती है। उस तर्क को समझिए, उस वैज्ञानिकता को समझिए, उस शास्त्र की बातों को समझिए। जब तक पूरे टोटल स्पेक्ट्रम में आप शास्त्र को नहीं समझेंगे, थोड़ा थोड़ा हाथी का हिस्सा पकड़ के समझते रहिए, अरे हाथी तो पूछ के जैसा होता है, नहीं हाथी तो खंभे जैसा होता है। बोलो भाई पंडित जी, कुछ बात ठीक कह रहा हूँ? बड़ी मजेदार बात। अरे जल्दी मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हाथी। कबीर दास की उलटवासियां सुनी होंगी आपने, ऐसी उलटवासियां लिखी हैं कि पानी में मछली प्यासी है मुझे सुन के आवे हंसी, तो मुझे भी हंसी आती है कभी कभी, अक्सर आती है। लोग आते हैं जन्म पत्री दिखाने, मैं उसका डाटा एंटर करता हूँ। बोलो भाई क्या टाइम है आपका, क्या डेट है? था पना पना डेट, टाइम था 7:14:30। मैं उसके मुंह की तरफ देखता हूँ, मैं 7:31 लिखता हूँ, सर 7:15 लिखता हूँ, 7:14:30। मैंने कहा ले बेटा ले, लिख देता हूँ 30 सेकंड, क्या आना जाना इससे, समझ में ही नहीं बात आती। 30 सेकंड के कुछ आना जाना ही नहीं है। हम कह रहे हैं 5 सेकंड से भी, 50 सेकंड से भी कुछ आना जाना नहीं। हम कह रहे हैं कि 1 मिनट से भी कुछ आना जाना नहीं। कैसे आना जाना नहीं है समझिए, और कहाँ आना जाना नहीं है बात को समझना ज्योतिषियों के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? विभिन्न प्रकार से सिद्धांतों से पंचांग बनते आए हैं। आजकल पंचांग बनाते हैं चित्रा पक्ष से और केतकी पद्धति से, या फिर पश्चिम की एफएमरी से अयनांश को कम करके वो पोजीशन निकालते हैं। मेहनत तो करते हैं ना। आपके पास 4, 5, 6 पंचांग खरीदने में तो पैसे लगेंगे, ज्योतिषों के पास पैसे नहीं होते। इसलिए आप लोग एक काम करें कि अपने मोबाइल में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल ऐप डाउनलोड करें, और ठीक इसी वक्त का आप मून का लॉन्गिट्यूड मुझे बताइए अलग अलग ऐप्स में। अरे मून के लॉन्गिट्यूड से तो भाई दशा का बैलेंस निकालते हैं, और मून के लॉन्गिट्यूड में दशा का बैलेंस निकालते समय आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि 30 विकला यानी 30 प्रतिविकला विकला नहीं प्रतिविकला यानी 0.5 मिनट 33rds not seconds उसका भी एरर आ जाए, तो इट मेक्स 3 days एरर इन सन दशा बैलेंस। सूर्य की दशा का बैलेंस निकालने में जो सबसे छोटी 6 साल की है वहां पे वो 3 दिन का फर्क डालेगी, और बाई चांस वर्ष की दशा पर टाइम पर शुक्र की हुई 19-20 दिन का फर्क डाल देगी। एक बार दूसरी बात, जब बच्चा पैदा होता है, जब घरों में डिलीवरी होती थी, मुझे बताओ कौन माई का लाल बाहर HMT की घड़ी लेकर के बैठता था डिलीवरी रूम में। गांव की दाई को पता नहीं होता था किस समय बच्चा पैदा हुआ। अच्छा बाहर रोने की आवाज चली गई, बाहर थालियां बजने लगी, घंटे बजने लगे, वाह 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 पोता हुआ था पोती हुई, और टाइम आउट कर लिया। घड़ी होती रही थी लोगों के पास। अब से 15-20-30 साल पहले आपको हिंदुस्तान में एक HMT की घड़ी होती, लाइन लग के मिलती थी। मैंने भी अपनी शादी में के लिए जो अपनी बीबी के लिए घड़ी खरीदी थी, सुबह पार्लियामेंट स्ट्रीट में लाइन में लग के 5 बजे खरीदी थी। अरे ऐसे नहीं मिलते थे ओपनली बाजार में। आज जमाने अलग हैं,
अलग अलग तरीके की घड़ियां मिलती है, वो जमाना था। उस जमाने में आपने टाइम नोट कर लिया बहुत बढ़िया, एक मिनट दो मिनट तीन मिनट का तो फर्क पड़ गया। अरे पड़ोस के राम सिंह के पास घड़ी है, क्या देख क्या टाइम क्या हुआ, बच्चा भाग के जाएगा, उसको उसकी इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस पता ही नहीं है। रस्ते में खेलने लग गया, जाके पूछेगा हाँ 4:17 बताए थे कितनी देर बाद तू आया। और आज की देश में मोस्ट वैज्ञानिक युग में मुझे बताइए कि दुनिया में कौन सा अस्पताल ऐसा है जहाँ परमाणु भरी लगी हुई है, और कौन सा डॉक्टर ऐसा है जो बच्चे के पैदाइश को और जच्चा के वेलफेयर को छोड़ करके पहले साइन नोट करता है आपके लिए आपके सामने। एक दो मिनट का एरर टाइम नोटिंग में हो गया, और इसीलिए 1978 के नवंबर के महीने में भारत सरकार ने विज्ञान भवन में ज्योतिष का सम्मेलन बुलाया था। उस सिद्धांत ज्योतिष के सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि चंद्रमा में एक विकल कलातक का फर्क, चंद्रमा के लॉन्गिट्यूड में एक कलातक का फर्क इग्नोर कर, एक कलातक का फर्क तो वहां इग्नोर कर, 6 दिन का फर्क आ गया, 2-3 मिनट का फर्क आपके टाइम रिकॉर्डिंग में आ गया, पर टाइम में 6 मिनट का फर्क हो गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 सेकंड में चंद्रमा 42 कला तक चल जाता है, 42 विकला तक चल जाता है, 1 सेकंड में आधी विकला से ज्यादा चल जाता है। 6 मिनट में कितने सेकंड हुए, चलो इसके आधे कर लो, समझौता कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड वालों की तरह सेटलमेंट कर लेते हैं, 3 मिनट मान लो, 3 मिनट में कितने सेकंड हुए, 180 सेकंड, चलो छोड़ो यार 60 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 घंटे में कितने सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड हुए, 60, और 1 सेकंड में 42 कला चंद्रमा खिसक जाता है, 42 विकला, यानी पौन कला 0.75 कला 0.75 मिनट, तो 60 कला में कितना खिसकेगा 60 सेकंड में, अरे 45 कला भाई, 60 का पौना तो 45 ही हुआ ना, 45 कला का फर्क आ गया वहां पे चंद्रमा के। और मैं कह रहा हूं कि आधी विकला में 3 दिन का फर्क आ जाता है बैलेंस में, फिर ऊपर से ये दशा कितने साल की है, 5 साल 4 महीने 3 दिन, कब पैदा हुआ था, 1975 मार्च का महीना 17 तारीख, 17 में जोड़ा वो 17 मार्च में, ध्यान से देखना 17 मार्च में 4 दिन बैलेंस के जोड़े, 21 मार्च में 4 महीने जोड़े जुलाई, और उसके बाद साल में साल जोड़ा, 31 का मार्च होता है भाई, आपने 30 दिन का महीना मान के सब दिन, जितने भी दशा के टेबल्स हैं सब में 30 दिन का महीना मान करके वो टेबल्स तैयार किए गए, 1-2 दिन का फर्क वहां पड़ गया। और इसके ऊपर स्टोर्रा तो देखो, अरे मजेदारी की बात तो देखो साहब, जब मेरी शुक्र की अंतर दशा में, शुक्र की महादशा में, बृहस्पति की अंतर दशा में राहु का प्रत्यंतर आकर के, और जैसे ही मेरे सप्तमेश का की प्राण दशा आई, मेरी शादी, अरे प्रत्यंतर दशा घंटों में होती है, दिनों और घंटों में होती है, और जब वहां दिनों और घंटों का अंतर, तो दिनों का अंतर तो वहां पहले ही आ चुका, तो आप प्रत्यंतर दशा को कैसे रिलायबल मान सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि दशा अंतर दशा तक ही सीमित रहिए, प्रत्यंतर प्राण दशा सूक्ष्म दशा, अरे पाराशर का बस चलता तो अति सूक्ष्म दशा भी बता देती, वो बताया किस लिए, ताकि ये विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए। शास्त्र ग्रंथों में बहुत सारी बातें दूर जाकर के बताई होती है, सारे आयु प्रकार बता दिए, बाद में बोला कि सब तरीके से अलग अलग आए ना, 7 तरीके से तुमने आयु निकाली, 7ों को जोड़ लो, 7 से भाग दे दो, जो एक्चुअल बचेगा वो आपके आयु,
त्रंशे त्रंश समह, एक जगह पार्षद कहता है कि तीन तरीके से आपने दशा निकाली तो तीनों को जोड़ के तीन से भाग दे लो, जो कोशेंट है वो आपकी एवरेज उम्र है, एवरेज तो निकाल दे सब जगह। और वहां इतनी सूक्ष्मता की बात कर रहे हैं और इतनी सूक्ष्मता से भविष्यवाणी की वैज्ञानिकता भी सिद्ध करने का व्यर्थ प्रयास किया जा रहा है। भाई ऐसे महापुरुषों को मुझे बार बार नमन करने का मन करता है, मैं तो उनके सामने दंडवत हो जाता हूँ। भाई आप तो महान हैं साहब, आपका क्या मुकाबला है। इसलिए आप लोग नए विद्यार्थी हैं, नई पीढ़ी के हैं, अरे हम तो किनारे के पेड़ हैं, मजबूत हाथों में ज्योतिष की बागडोर रहे तो अच्छा है, चलता रहेगा, नहीं तो ऐड़े गैरों के हाथों में जाती रहेगी और धक्के खाती रहेगी और हालात क्या आएंगे एक दिन, ठीक रास्ते आपसे पूछेगी ज्योतिष, हमसे नहीं पूछेगी कि भाई साहब देखो इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। भाई ज्योतिष के दुपट्टे को उतरने से बचाइए, मेहरबानी करिए, और ठीक से शास्त्रीय वैज्ञानिक पद्धति से ज्योतिष को दोनों टूट के का शास्त्रीय 100% वैज्ञानिक है, हर एक चीज तार्किक है, रेशनल है, रिलायबल है, तर्कसम्मत है, बिना सोचे समझे भांग की पिनक में नहीं लिखी गई है, बहुत सोच समझ कर लिखी गई है। इतनी शांति इस प्रकार से इस पूना नगर में हमारा आप सारे विद्वानों के सामने विभिन्न विषयों पर प्रवचन समाप्त होता है। जी बहुत, मतलब रेट्रोग्रेशन बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही प्रश्न था कि हमेशा मन में होता है कि रेट्रोग्रेशन प्लेनेट के वक्त मतलब वक्री ग्रह होते हैं, तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि पिछले भाव का प्रेडिक्शन देखो क्योंकि वो पीछे की तरफ देखता है, तो हमें पिछले भाव में जो भी ग्रह है उसके बारे में बोलना चाहिए या पिछले भाव में जो ग्रह की राशि है उसको देखना, वक्री ग्रह के बारे में ऑलवेज ये। वो जो पिछले घर का फल देने की बात कही पार्षद ने संहिता के विषय में कही और 100वें या 99वें अध्याय में कही गई है, पार्षद और शास्त्र को उठा के देखिए उन्होंने क्या काम कहा, ध्यान से समझिए, आपकी बात भी आ रही है। अतिचारे च वक्रे च, अतिचारे च वक्रे च, यानी जब अतिचारी रहे होकर के और वक्री हो जाए, दो शर्तें हैं, अतिचारी होकर के जब वक्री हो जाए तब बकरी ग्रह पिछले घर का फल देता है। ऐसा नहीं है कि जो भी बकरी हुआ वो पिछले घर का फल देने लगा, जितने काले होते हैं वो सब बच्चों के मामा नहीं होते। जी सर, हमारे मतलब ये ऑलवेज काफी हमारी पीढ़ी और भी जो आगे वाली पीढ़ी है, तो ताकि ये अभी मैसेज हम आगे भी बताया करेंगे। और एक प्रश्न सर ऐसा था, अभी ये राहु और रेट्रोग्रेशन की बात चल रही है, तो सॉरी राहु नहीं, रेट्रोग्रेशन की बात चल रही है, तो इसके अलावा मुझे एक ही सवाल आपसे है कि ये ट्रू और मीन राहु के बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है, जो कोई बोलता है 9 तारीख को अभी चेंज हो गया, अगली पिछली राशि में सिंह राशि में चला गया है, या तो 29 तारीख को सिंह राशि में जा रहा है, ट्रू एंड मीन, इसका तो कहीं पर ऐसे स्पेसिफिक उल्लेख है हमारे ग्रंथों में, मतलब मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान है तो मुझे पता नहीं है ऐसा कोई भी ग्रंथ में उल्लेख है, तो इसके बारे में कृपया हमें आप बताइए ट्रू मीन राहु, या तो एक्चुअली हमें कौन सा ये देखना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में सभी ग्रहों को स्पर्श करने के बाद जब राहु के स्पर्श करने की बात आई तो राहु के स्पर्श करने के लिए उन्होंने जो टेक्निक निकाली थी सिद्धांत ग्रंथों में, जो भी गणित के द्वारा रिजल्ट आता था उसको 360 में से घटाते थे, 360 डिग्री में से, क्योंकि तब जाकर के क्योंकि राहु की गति उल्टी होती है, वक्री होती है, उन्होंने उसको मीन राहु को सदा वक्री माना, तो मीन राहु सदा वक्री होता है, कभी मार्गी नहीं होता, लेकिन ट्रू राहु कभी कभी मार्गी होता है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, महीने में कम से कम 3 बार मार्गी होता है, एक महीने में, जबकि तब तक तो कैलकुलेशन हाथ से करनी पड़ती थी, मैनुअल कैलकुलेशन होती पंचांग की। और आप लोगों की जानकारी के लिए बताना बहुत जरूरी है कि पुराने जमाने में जिन लोगों ने ज्योतिष को जिंदा रखा है आज तक, उनके हम कितने
इतने बड़े कर्तार हैं। पंचांग को बनाने के लिए जब मैनुअल पंचांग बनाया जाता है तो उस समय केवल तिथि वार नक्षत्र योग और कर्म इनकी एंडिंग लाने के लिए कम से कम एक साल के लिए 50,000 बॉक्सिंग 50,000 कोष्ठक उनसे वास्ता पड़ता है एक आदमी का प्रिंट करने वाले का। और उससे क्या होता है कि 5 चीजें निकल के आती है। उसके बाद ग्रह कब बकरी होगा, मार्गी होगा, कब संक्रांति होगी, कब राशि बदलेगा, कब चंद्रमा उदित होगा, कब अमावस्या आएगी, कब पूर्णिमा आएगा, कब ग्रहण होगा। एक साल का गणित करने के लिए 3 साल पहले वो गणित में लगते थे। मैं भी एफएमआरई बनाता हूँ तो 2017 जनवरी में अप्रैल में बनानी शुरू कर दूंगा, तब जा करके वो अक्टूबर नवम्बर दिसंबर तक आ पाती है। तो आज के जमाने में जब ये स्थिति है तो उस जमाने में क्या स्थिति थी, इसलिए राहु को उन्होंने प्रैक्टिकली मीन ले लिया, क्योंकि मीन राहु में और ट्रू राहु में मैक्सिमम पॉसिबल जो अंतर है वो 2.25 कला का है, 2.25 कला, 1 कला 45 विकला, उससे कोई बहुत लंबी चीज आनी जानी नहीं है। तो उन्होंने डेली पोजीशन में या साप्ताहिक पोजीशन में वीकली राहु को ट्रू नहीं निकाला, राहु के ट्रू की जरूरत कहाँ पड़ती है, उन्हें मालूम था कि राहु ट्रू होता है और राहु ट्रू के बिना ग्रहण निकल नहीं सकता। इसलिए जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब साल में 1 या 2 बार या 3 बार पड़ते थे केवल उसी ओकेजन का वो ट्रू राहु निकाल करके ट्रू राहु का इस्तेमाल करते थे। आज जब हमारे पास ये सब साधन उपलब्ध है और ट्रू राहु हमें इजीली प्राप्त हो जाता है, सारे ग्रहों को तो ट्रू लें, लग्न को ट्रू लें, सारी चीजों की बात ट्रू करें, ट्रूथफुल होने का दावा करें और राहु को मीन लें, भाई ये गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज करें तो नहीं चलेगा। उस जमाने में हम लोगों की मजबूरी थी पंचांगकारों की कि वो ट्रू निकालते नहीं थे, उससे कोई लंबी थोड़ा फर्क पड़ता नहीं था कैलकुलेशन में, केवल ग्रहण के दिन फर्क पड़ता था, उस दिन का ट्रू निकालते थे। तो आज जब ट्रू निकल के मिलता है हमें तो भाई ट्रू इस्तेमाल करो, जब सारे ग्रह ट्रू ले रहे हैं तो उसको ट्रू लो। और आप लोगों को जान के खुशी तो नहीं होगी, मेरी किताब 2 महीने के अंदर आ जाएगी, उसका नाम मैंने रखा है ज्योतिष उजाले की ओर, क्योंकि इस तरीके के सवालों से मुझे आंखें लड़ानी पड़ती हैं अक्सर जगह जगह पर, और ये मेरे बुढ़ापे के लिए कोई बहुत अच्छा लक्षण नहीं आंखें लड़ाना। तो मैंने कहा भाई ये गड़बड़ है, मैंने किताब में लिख देता हूँ इसी तरीके के जैसे ये सवाल आए थे जिनका कहीं उत्तर नहीं मिलता, ऐसे 205 सवालों को छांट करके और लोगों से इनवाइट करके, भाई आपको क्या प्रॉब्लम आती है मुझे आपको क्या आती है, उनसे इनवाइट किया, उन सारे का समाधान किया है और नाम रखा है ज्योतिष उजाले की ओर, इन परसुइट ऑफ लाइट, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष इन परसुइट ऑफ लाइट। तो उस पुस्तक में इस तरीके के सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और यदि कोई सवाल उसके बाद पैदा हो, क्योंकि सवाल तो अनंत हैं, तो मैं सायोनारा वादा निभाऊंगा कह के आपको कहता हूं कि वो प्रश्न मुझ तक भेजना और अगले एडिशन में गुरु को ऐड कर दूंगा। केतना को मंच पर बुलाना चाहूंगी, केतना जी प्लीज आप आइए। सर्वप्रथम मैं उपस्थित सब मान्यवर का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। टैरो शास्त्र इजिप्शियन पद्धति है, इधर की नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में अभी बहुत प्रचलित हो गई है। इसमें ऐसे टैरो कार्ड्स रहते हैं जिसमें कोई चित्र रहते हैं और इन चित्रों के माध्यम से हम लोग किसी का भविष्य देख सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अभी मैं पहले एक बात क्लियर करती हूँ कि इन्होंने बताया कि मुझे कैंसर हुआ था, मेरा सर्जरी हो गया, आपने बताया। मैं कार्ड से चेक करना चाहती हूँ कि आगे कोई वापस खतरा है कि नहीं, राइट। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चेक करना चाहिए। ये देखो अभी आप लोगों को कार्ड की जादू समझ में आ जाएगी। ये देखो पहले ये कार्ड आया है पास्ट का, बहुत ज्यादा बंधन हो गया था, उनको अगर सर्जरी नहीं कराते तो जान का खतरा था, राइट सर, बराबर। अभी की प्रेजेंट सिचुएशन 6 नंबर बुध का कार्ड है, इसमें भी राशि ज्योतिष कुंडली वास्तु सब है, तो इसमें ये कार्ड में ऐसा बताया गया है कि अभी एकदम ओके है, कोई टेंशन नहीं है और उनको कोई आयुर्वेदिक उपचार चालू करना है, इससे उनको काफी फायदा हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर, फ्यूचर में देखो ये डॉक्टर का
प्रश्न आ गया, समझ में आ रहा है आप सबको? इनका मतलब ये है कि इनको ये बीमारी वापिस एक बार हुएगी और उनका अगर उन्होंने ऑपरेशन तभी भी करवाना पड़ेगा। ये हिंट है इनके लिए, अगर टैरो कार्ड कुछ भी देखे बिना इतना बता सकते हैं और ये होगा तो आप ये मान लेना कि टैरो कार्ड में अलग शक्ति है, अलग वाइब्रेशंस है। और ये मैंने आपको हिंट दी है, हाँ टाइम भी बताती हूँ आपको। देखो ये 20 नंबर्स का कार्ड है, 20 नंबर, 2 साल के अंदर आपका वाइब्रेशन थोड़ा देखना, आप कहीं 2 साल में, हाँ इसके आगे का भी मैं बोल देती हूँ ताकि इनको टेंशन ना हो। दो बार हो चुका है तो मेरा रीडिंग बराबर है कि तीसरी बार भी होगा? हाँ नहीं, अभी फ्यूचर बता रही सर कि 2 साल के बाद वापिस आएगा। मैं वही बता रही हूँ कि आगे का, और उसमें से ये बड़े हो जाएंगे यानी अच्छे हो जाएंगे या फिर आप वापिस आएगा ये भी बता देती हूँ। ये देखो अभी ये उम्र का कार्ड आया है भगवान के पास जाने का, या वो जो बोलते हैं ना यमराज का कार्ड, यही है। तो उसमें ये है स्वर्ग में जाने की चाबी इनके पास है या नर्क में जाने की चाबी, दोनों इनके पास है। ये चाबी का मास्टर कार्ड है। तो ये कार्ड ऐसा बताता है इन्होंने तभी अगर सर्जरी करने के लिए ना बोला तो इनकी जान पे भी बना सकती है, इसीलिए ये करवाएंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे, आयुष्य बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, टैरो कार्ड से हम लोग ये भी जान सकते हैं कि आपके घर में कहीं चोरी होने वाली है क्या, कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले क्या, किसी का एक्सीडेंट होने वाला है क्या? हाँ जी पूछो। हाँ, पूछो पूछो, मुझे लगा। हाँ जी, ये देखो ये कार्ड इनके क्वेश्चन के आए हैं, ये पास्ट कार्ड है, ये प्रेजेंट कार्ड है और ये फ्यूचर कार्ड है। इनमें ऐसा दिखाता है कि स्ट्रेंथ से कमाई हुई चीज यानी बहुत लगन से मिली थी वो चीज, कोई रत्न है क्या? हाँ, तो वो गुम हो गई है और उनका ढूंढने का अभी भी प्रयास चालू है, काफी साल से ढूंढ रहे, कम से कम मेरे को लग रहा है 6 साल हो गए ढूंढते ढूंढते, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला है। और फ्यूचर, फ्यूचर में अभी 3 महीना ही है आपके पास, अगर 3 महीने में क्लू मिला तो आपको 110% वो चीज मिलेगी और उससे आपको खुशी होगी कि नहीं, क्योंकि इतने सालों के बाद मिल रही है तो शायद खुशी कम ही हो सकती है, उसके बाद चांस कम है, लेकिन आप मन में अभी से संतुष्ट हो चुके हैं कि शायद मुझे नहीं मिलेगी। इस विद्या से एक बात बताती हूँ कि मैंने कोल्हापुर में बहुत सारे लोगों के घर में खोई हुई चीजें, खोए हुए आदमी ढूंढ के दिए हैं। मेरा नाम सुनील चोपड़ा है। अच्छे विद्वान लोग ज्योतिर्विद आए हुए थे जिन्होंने हमें काफ़ी कुछ सीखने को दिया। ऐसी चीज़ें हर जगह नहीं मिलती है, ये छोटे ग्रुप के अंदर खड़े होकर छोटे ग्रुप में काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, तो इसलिए मैं सुनील जी का और प्लेनेट टू सोल जो सब्जेक्ट रखा गया था इनका धन्यवाद अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम कितना परेश शेटा है, मैं कोल्हापुर से आई हूँ। इधर आके मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत लोगों से मेरा कनेक्शन हुआ और वो भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से मेरे को एस्ट्रो जानने का अवसर मिला, तो मैं अपना बहुत सौभाग्य मानती हूँ। और सुनीली मैडम ने ये जो प्रोग्राम अरेंज किया उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम पिनार का राजेश मिस्त्री है, मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा, सुनीली जी ने जो ये प्रोग्राम लिख लिया।